नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 25 जनवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। जिला प्रशासन ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले भाइयों के मकान और दुकान तोड़ दिए। सोमवार सुबह व्यापारी के मकान पर निगम की जेसीबी चली। इसके बाद टीम ने करीब सवा बीघा में बने उसके गोदाम को भी तोड़ा। वृंदावन में रहने वाले मनोज जैन के मकान को सुबह नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तोड़ा गया। मनोज के उद्योगपुरी स्थित गोदाम से पिछले दिनों 400 क्विंटल से अधिक चावल जब्त किया गया था। ये चावल राशन दुकान में सप्लाई होने वाले अनाज में हेरा फेरी कर ऊंचे दामों में बेचने के लिए गोदाम में रखा गया था। मामले में मनोज जैन और उसके भाई अनिल जैन पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही दोनों भाई फरार चल रहे थे, जिसके चलते उद्योगपुरी में गोदाम को तोड़ने की कार्रवाई की गई। देखिए, जैसा कि आपको विदित ही आज जो इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोडाउन वगैरह को नगर पालिका के द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, ये श्री अनिल जैन से संबंधित है। और विगत दिनों श्री अनिल जैन को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल है उसमें इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं पुलिस में। और पुलिस ने जो समीक्षा करी है और जो विवेचना करी है उसमें मनोज जैन और अनिल जैन इत्यादि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन को यहाँ वहाँ अफरातफरी करने में संलग्न थे, उनका गोडाउन है और उसी के तहत ये कार्रवाई आज की जा रही है, चूंकि अवैध निर्माण है। शहर में अंधाधुंध स्पीड में बाइक दौड़ाने और बेफजूल के स्टंट करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने बाइकर्स पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। माधवनगर थाना पुलिस ने कोठी रोड पर बाइक स्टंट करने वाले एक दर्जन से अधिक युवकों को पकड़कर उन्हें हिदायत दी है। अगली बार पकड़ाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कोठी रोड से पकड़े गए बाइकर्स के माता पिता को बुलवा कर बच्चों पर ध्यान रखने के बारे में कहा गया है। लाइसेंस क्या आपका? बोलो। पर यहाँ थाना माधवनगर द्वारा कोठी रोड VIP रोड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे अनियंत्रित रूप से कुछ भी वाहन चला रहे हैं, तो उस आधार पर हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। लगातार जो है सघन चेकिंग जारी है, किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियाँ नहीं होगी, बाइकर्स इधर उसी रोड पर नहीं चलेंगे, ये हमारा एक प्रयास है। किस तरह की शिकायत थी आपको इस रोड के प्रति बाइकर्स को लेके? जनरल शिकायतें हैं कि बाइकर्स इधर आते हैं, तीन सवारी यहाँ पे घूमते हैं और अवैधानिक गतिविधियाँ होती रहती है, इस आधार पे हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। और कोई कार्रवाई होगी इनके? विशेष रूप से हम लोग चलानी कार्रवाई करेंगे, समझाइश भी देंगे। ठीक, ये आ रहा फास्ट, ये फास्ट आ रही है एक्टिवा वाला, पलटा ली उसने। यस, मायके में मां की डांट से नाराज महिला 3 साल की बेटी को लेकर कहीं चली गई है, जिसकी गुमशुदगी चिमनगंज थाने में दर्ज कराई गई है। घटिया के गांव गनावा में रहने वाले राकेश मालवीय ने बताया कि पत्नी खुशबू 14 दिन पहले मायके गई थी। 3 दिन पहले उसकी मां ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया, जिससे नाराज होकर वो कहीं चली गई। संभावित जगह और रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी कहीं पता नहीं चल सका है। उसके साथ 3 साल की बेटी जया भी है। महिला की 10 साल पहले शादी हुई थी, उसकी एक 8 साल की बड़ी बेटी भी है।
नजर अली मील कंपाउंड में एक ही परिवार द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। कब्जेदार ने न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे की कॉपी दिखाई, जिसके बाद असमंजस में पड़े अधिकारी लौट गए। हालांकि कब्जेदार ने जो आदेश की कॉपी दिखाई उसमें आंशिक स्थगन वर्ष 2019 तक का ही था। इसके बाद स्टे के कोई दस्तावेज कब्जेदार के पास नहीं थे। बावजूद इसके निगम कर्मी और पुलिस विभाग सरकारी जमीन पर बने चारों मकान को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोला फाटक में नजर अली कंपाउंड है, वहां पर पट्टे की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा लगा रखा था, आज उस पर भी कार्रवाई की जाने। तराना के वार्ड क्रमांक 11 में बीते 5 महीने से हैंडपंप टूटा पड़ा है, जिसे सुधारने के लिए कई बार नगर पालिका में शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस हैंडपंप से रोजाना करीब 200 परिवार पीने का पानी भरते हैं, लेकिन हैंडपंप खराब होने की वजह से ये लोग अब परेशान हो रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि हैंडपंप में पर्याप्त पानी है, पानी की गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से आसपास के रहवासी यहाँ से पीने का पानी भरने आते हैं। हैंडपंप काफी पुराना है, जिस वजह से वह सड़कर 2 हिस्सों में टूट गया है, जो लंबे समय से सुधारा नहीं जा रहा। हैंडपंप कम से कम 5 से 6 महीने तक खराब पड़ा है। इसके कम से कम हमने 7 से 8 बार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट भी कर दी है, कई बार इसके नाम का आवेदन भी दे चुका है, पर अभी तक के काम नहीं हुआ। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाड़ीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना, जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में हमारा पता 29 वरुची मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। मतदाता दिवस के मौके पर तराना तहसीलदार डीके वर्मा ने तहसील कार्यालय पर कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। इस मौके पर मौजूद कर्मचारियों को उनकी दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने की समझाइश दी गई। बता दें कि 25 जनवरी को हर वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते निर्वाचन कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दी जाने वाली शपथ चुनाव के संबंध में है जी, जिसमें उसमें मतदान करने के लिए इसमें निर्देश जो दिए हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर को उत्कृष्ट कार्य और सराहनीय सेवा के चलते राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदेश से 12 अधिकारी और कर्मचारी को इस पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें आरक्षक से लेकर डीएसपी तक शामिल है। उज्जैन से यातायात डीएसपी को ये सम्मान दिया गया है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू, सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। कोरोना मरीजों की संख्या जिले में 100 से भी कम रह गई है, अस्पतालों में केवल 82 संक्रमित मरीज रह गए हैं। गणतंत्र दिवस के चलते शहर के होटल लॉज की चेकिंग की जा रही है। 4 दिन पहले कंजरों द्वारा लूटी गई कार जंगल में से मिल गई है, जिसे घोसला पुलिस ने जब्त कर लिया है। ट्रेन शुरू करने के साथ ही अब रेलवे यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था भी शुरू करने की योजना बना रहा है। फिलहाल उन्हें ऑर्डर के अगले स्टेशन पर भोजन की व्यवस्था मिल सकेगी। प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज भेजने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल, किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5 महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।